वेलकम बैक टू ईवीएस अकेडमी चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था एनवायरमेंटल साइंसेस का। तो ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ डिस्कस करेंगे। मैंने आईडी मेंशन कर दी है, दैट इज 8900 4। तो क्वेश्चन पूरा डिस्कस होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का थैंक यू करना चाहूँगी, आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएस अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आपको न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल एजुकेशन टू केटर टू ऑल एजेस एंड सोशियो प्रोफेशनल ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन। तो एक क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दिया है कि कौन से कॉन्फ्रेंस, ये चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, उसने ये कहा था कि एनवायरमेंटल एजुकेशन को सभी एजेस, सभी सोशियो प्रोफेशनल ग्रुप्स में क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। तो दीज आर द ऑप्शन, फर्स्ट वन इज स्टॉकहोम, दैट इज 1972, तबलिसी दैट इज 1977, रियो डी जेनेरियो दैट इज इन 1992, एंड बर्लिन दैट इज इन 1995। सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज द तबलिसी 1977 में जो हुई थी। तो इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तबलिसी दैट इज द ऑप्शन नंबर टू इन 1977। तो द वर्ल्ड फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन वॉज ऑर्गेनाइज बाई द यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को और यूएनईपी। यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इन दोनों का एक ऑर्गेनाइज की थी कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर ये बात हुई थी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन को किसमें करेंगे। यहाँ पे लिखा है देखो, एनवायरमेंटल एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, दैट इज अ लोकल, नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल, एंड फॉर ऑल एज ग्रुप्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम। की मीन्स फॉर्मल का क्या, जहाँ पे हम स्कूल वगैरह की अगर बात करें, इनफॉर्मल जहाँ पे मीन्स कोई एनजीओ या इस तरीके से जहाँ पे इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन है, तो वहाँ पे भी एनवायरमेंटल एजुकेशन को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ये कहाँ पे हुई थी, तिबलिसी में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट वॉज इन 1977। ओके, तो चलिए अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। स्टॉकहोम 1972 का एक ऑप्शन दिया था, तो वो किसके लिए थे, वो थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द रिलीज ऑफ पीओपीज। नाउ नेक्स्ट वन इज द रियो डी जेनेरियो, दैट वॉज फॉर अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड द लास्ट वन इज द बर्लिन। बर्लिन में जो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट 1995 में जो हुई थी, वो बर्लिन में हुई थी। तो ये हमारे जो तीन ऑप्शन थे, अगर आपको ये भी पता थे कि कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस में क्या इंक्लूड है, तो भी आप इसका आंसर इजिली दे सकते हैं, अगर आपको तिबलिसी के बारे में नहीं पता था, क्योंकि स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरियो एंड कोप वन के बारे में तो ऑलमोस्ट हमने ये सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीन्स सारी कॉप हम पढ़ते हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस भी हम पढ़ते हैं। तो अगर आपको वो नहीं पता था, अगर इन तीनों के बारे में पता था, तो भी आपने करेक्ट आंसर दिया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चन सही था या गलत था, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में, अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपको अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए कोई भी क्वेरी है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, वहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी हो, वो आपको वहाँ से ईजिली सॉल्व हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।